अवशिष्ट निकलता था नदियों में प्रवाहित होता था और नदी आजकल नदी भी बहुत शुद्ध हो गई है। नदियां जैसे रहता है कि आप आर पार पानी को दे सकते हैं। नीचे जमीन में पेंदे मछली देख रहे हैं। गंगा जी जी यमुना जी भी साफ हो गई है काफी। जी सही बात सर। इस पर्यावरण दिवस के दौरान हम आपको एक इस युवा लोगों को एक संदेश दे रहे कि हमको अपने घर में अधिक अधिक से पेड़ लगाना चाहिए और हो सके तो ज्यादा के ऐसे स्थल पर भी पेड़ लगाना चाहिए। उससे कुछ वो उसको भी आप थोड़ा बता दें। सबसे पहले तो मैं इस एनएम न्यूज चैनल और आपके माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। जी मेरे घर में तीन पौधे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि महेश कुमार जी ने बताया है कि अगर आप लोग तुलसी का पेड़ अगर अपने घर घर में आप लोग एनएम न्यूज देख रहे हैं तो आप लोगों को बताओ अभी हमारे सामने रूबरू हो रहे हैं महेश कुमार जी और इन्होंने अभी जिस हिसाब से बात बताई है कि अगर घर में लोग तुलसी का पेड़ अगर लगा रहे हैं तो उससे उनकी क्या महत्व है वो भी अभी आपको बताएंगे सर। क्या होता है तुलसी से? तुलसी का एक तो धार्मिक महत्व है। जी जिस घर में तुलसी होती है तुलसी का पत्ती जो है भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है, हरी प्रिय है और भगवान के किसी भी भोग में यदि तुलसी का पत्ता नहीं है तो भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। तो सबसे पहला तो यही कि जब आप भगवान को भोग लगाते हैं और तुलसी का पत्ता रखेंगे तो भगवान को स्वीकार हुआ और वो प्रसाद बन गया। दूसरी बात कोरोना काल में अभी भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई कि आप काढ़ा पीजिए, उस काढ़े में तुलसी एक प्रमुख घटक है। तुलसी के सैकड़ों फायदे हैं, चाहे वो जुकाम हो खांसी हो बुखार हो आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करता है। इससे तुलसी का लिक्विड वगैरह भी आता है वो बाजार में आप घर में अपना बनाइए। घर में आप रोज दो तुलसी की पत्ती सवेरे नहा धो करके निगल में आपको कई बीमारियां अपने आप नहीं होंगी। आपको काढ़ा पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खाली कच्चे तुलसी के पत्ता जो है आप निगल लें रोज। और भी आपने प्रश्न देखा कि बेलपत्ती। बेलपत्ती का क्या? हाँ बेलपत्ती के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मैं सन 98-99 के आसपास दैनिक जागरण का रिपोर्टर था जी और भगवान शिव जी का मैं भक्त हूँ। प्रतिदिन मैं शंकर जी के मंदिर जरूर जाता हूँ चाहे वो आंधी आए चाहे तूफान आए। तो इस क्रम में जब मैं दैनिक जागरण का रिपोर्टर था तो मंदिर जाता था तो कई बार वहां बेलपत्र नहीं मिलता था। जी सर तो मैंने पूछताछ की मानी उसे तो उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन के पश्चिम में जंगल है वहां बेल के पेड़ काट दिए जाते हैं अवैध रूप से भट्ठों में चलाए जाते हैं ऐसा बताया गया क्योंकि वो ज्वलनशील होती है लकड़ी सूखी होती है अब बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। लेकिन आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बेल का इतना महत्व है कि पेट की 500 बीमारियों के लिए बेल का फल रामबाण है। पेट की बीमारी बेल का फल। अच्छा बेल जो गोल गोल होता है उसका बेल का शरबत अगर आप पीते हैं तो आपको पेट की 500 बीमारियों में फायदा मिलता है। तो मंदिर में मुझे बताया गया कि बेलपत्र भी आप मिल ही नहीं रहा बेल नहीं है। तब मेरे दिमाग में आया कि मैंने कई दिन मेहनत करने के बाद एक रिपोर्ट छापी उसकी दैनिक जागरण में उसमें बॉक्स में रिपोर्ट छपी है। मुझे संपादक जी का फोन भी आया कि आपने भी अच्छी रिपोर्ट छापी है। उसके बाद गोला में वो चालू हो गए और कईयों मेरे पास आए उसके बाद कईयों ने कहा भैया आप सूख गए। तो मैंने उसके बाद से गोला में जब भी कहीं होता है तो मैं बेल का पेड़ अवश्य लगाता हूँ चाहे वो ऋषि आश्रम हो गोला में चाहे वो कज्जा आश्रम हो चाहे वो प्रयोगगिरि मंदिर हो हर जगह यात्रा में लोग कर रहा है। मैंने कंजी कंजा में भी आपने बेल का लगाया था। हाँ तो मैं हर जगह बेल का पेड़ अवश्य लगाता हूँ लेकिन यदि कहीं और जरूरत है तो उसके अलावा अन्य फलदार पेड़ भी मैं लगा देता हूँ अपने साथियों के सहयोग से। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से आग्रह है कि गोला भगवान शिव की नगरी है कम से कम बेल के प्रति जागरूक रहे और बेल का पेड़ आप जरूर लगाएं साथ में एक लगाएं उसका संरक्षण करें पोषण करें जिससे आने वाली पीढ़ी को और कुछ दे सके। अभी आपकी बात हो रही थी हमारे महेश कुमार पटवारी जी से उन्होंने इस पर्यावरण के दिवस में बहुत सी जानकारी दी है और मैं अपील करता हूं अपने गोला वासियों के लिए। उन्होंने जैसे बताया कि घर में आपको बता दो एनएम बता रहा है कि जैसे महेश कुमार जी ने बताया कि घर में तुलसी का पेड़ लगना जरूरी है तुलसी से आपके सारे रोग दूर होंगे क्योंकि इस कोरोना वायरस का भी एक इलाज नहीं पाया गया तुलसी। क्यों सर? तुलसी आप अपने चाय में डाल सकते हैं नन्हे मुंह आप सुबह उठिए तुलसी को पानी में पीजिए और एक महत्व बताया है बेल का रस। अगर बेल का रस पीते हैं तो आपको पेट की समस्या नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ